हिंदू धर्म में सभी मंदिरों में मंदिर के बाहर ही घंटी लगी हुई दिखाई देती है, लेकिन किस समय घंटी बजाना शुभ है, आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं विस्तार से। सनातन धर्म की पद्धति है कि नित्य प्रति मंदिर जाएं। मंदिर जाने का यह नियम है कि मंदिर में प्रवेश द्वार पर ही घंटा या घंटी टंगी रहती है। उस घंटे की नाद से हमारे अंदर चल रहे अच्छे व बुरे विचार, सभी प्रकार के विचारों पर अंकुश लग जाता है भगवान के घंटे की ध्वनि से, और हम स्वच्छ दिमाग से, स्वच्छ मन से, स्वच्छ हृदय से भगवान के दर्शन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के पूजन में अपना मन लगाते हैं और प्रेम से भगवान का दर्शन करते हैं। घंटे की ध्वनि से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए आरती में, पूजन में घंटी और घंटा या शंख ध्वनि बार बार बजाई जाती है। यह तो हमारे जीवन में और हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार भर देता है और वहाँ पर जाके आह्लादित प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। लेकिन यदि हम लौटते समय भी घंटे की ध्वनि करते हैं, घंटी बजाते हैं, तो यह हमारे अंदर की भक्ति भाव और सकारात्मक ऊर्जा को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम लौटते समय घंटे की ध्वनि, घंटी की ध्वनि ना करें, भगवान को प्रेम से प्रणाम करें, मस्तक टेकें और वहाँ से भगवान को प्रणाम करते हुए लौट जावें, ना कि हम घंटी बजाते हुए या शोर सराफा करते हुए वहाँ से निकले। मंदिर में दर्शन करने का भी अपना एक नियम होता है, उस नियम में जाते समय तो घंटी बजावें और आते समय यदि घंटी बजाएंगे तो हमारे जीवन में हो सकता है पुनः नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाए, इसलिए हमें आते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।